नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मुसाफिर अमित। बस के केबिन में फिलहाल मैं बैठा हूँ। ड्राइवर साहब हम यहाँ पे देख सकते हैं और उनके सहयोगी, जो कि लंबी यात्रा के बाद थोड़े से थके हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्वाभाविक भी है इतना जब चलते हैं। ड्राइविंग जो करियर है थोड़ा संघर्षों से भरा हुआ होता है। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, करनाल बाईपास और चंडीगढ़। करनाल बाईपास नेशनल हाईवे 44 और चंडीगढ़ हम जा रहे हैं। रियर कैमरे से आपको दिखाऊंगा, अभी आपको बस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो सामने वाला मंजर मैं दिखाऊंगा आप देखेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चंडीगढ़ की यात्रा में सोचा इस चीज़ को कवर की जाए, दिखाता हूँ रियर कैमरे से। तो देखिए आप, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर आपको होर्डिंग नज़र आ रहा होगा पानीपत। चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर अभी भी है, और 8 लेन ये रोड है, और 8 लेन रोड होने के बावजूद आप देखिए कि गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हैं, गाड़ियों की संख्या बड़ी ज़्यादा है, और हम रेंगते हुए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर 1 घंटे का सफ़र, ये देखिए बिल्कुल बस वाले ने इतना करीब लिया, मुझे लगता है कि कुछ इंचेस और बाकी है। देखें आप, तो ये दिल्ली है और दिल्ली का ट्रैफिक गजब का होता है। और इस साइड से बाइकर्स हैं, आप देखें बड़ी धूल में होते हुए, ये देखिए आप इस तरह मेरे लेफ्ट में बिल्कुल धूल में यहाँ पर जा रहे हैं बाइकर्स। मजबूरी है उनकी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ है। थोड़ी सी गाड़ी आगे चलती है फिर वापस रुक जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम शायद चल रहा है इस वजह से भी और ये ट्रैफिक है। कार्य प्रगति पर है और हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे प्रगति पर है, धीरे धीरे चींटी की चाल से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते हैं, और दिल्ली में भी हर जगह कहीं मेट्रो का, कहीं हाईवे का, कहीं पर ब्रिज का काम चल ही रहा है। तो देखा आपने, दिल्ली के लोगों को फिर इन सब की आदत है, रोज ऐसी सिचुएशन से इनका आमना सामना होता है। लेकिन हम लोगों को इसकी आदत नहीं है। छोटे शहरों में इस तरह की जाम देखने को फिलहाल नहीं मिलते। ये गाड़ी देखें, ये गलत ड्राइविंग का नतीजा आप देख सकते हैं ये, और ये भी एक रीज़न है इस वजह से जाम यहाँ पर लगा है। देखें आप साइड से, ये अब इसको टो करके ले जाना पड़ेगा, तो ओवर स्पीडिंग। अब हम थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे खुला है, चल सकते हैं। आगे और भी जो चीज़ें आएंगी बताऊँगा इस पूरी यात्रा में। मिलूँगा अगली भी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जय भारत।